हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि अपने बोर्ड्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हाँ, अगर हम इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो हमारे बोर्ड्स का स्कोर और ओवरऑल परसेंटेज बढ़ने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इन सारे पॉइंट्स को मैंने इन चार अलग अलग क्राइटेरियाज में जो है डिवाइड किया हुआ है और वन बाय वन अपन इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ तो किसके बारे में, कॉन्फिडेंस। ये अपने बोर्ड्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, बिकॉज हमने पूरे साल स्टडीज़ की हैं, प्रैक्टिसेस किए हैं, रिवीजन किए हैं, टेस्ट दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमको उस कॉन्फिडेंस को बनाकर रखना है। और इस कॉन्फिडेंस को और इस पॉजिटिविटी को अपन को उन 3 आवर्स में जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होंगे उसमें अपने नर्व्स को और स्पेशली हमको होल्ड करके रखना है। उसके बाद में अगर अगले पॉइंट की बात करूं तो वो है हमको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन का आंसर हमको रिलेट करके ही लिखना है। क्या होता है, कभी कभी हम लंबा चौड़ा आंसर तो लिखाते हैं बट क्वेश्चन ने जो पूछा था उसका आंसर न लिखते हुए हम एक्स्ट्रा की चीज़ें लिखाते हैं, इसलिए हमको हमेशा क्वेश्चन का आंसर रिलेट करके ही लिखना है। अगली बात करूं पॉइंट्स की बच्चों तो वो है हमको टाइम मैनेज करके चलना है। कभी भी हमको एक क्वेश्चन में स्टक होकर नहीं रह जाना है क्योंकि उससे अपना टाइम वेस्ट होता जाएगा। उसको हमको स्किप करना है और पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट अच्छे से करना है। अगले जो क्राइटेरिया की बात करूं तो वो है बच्चों अपना इंपॉर्टेंट है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग में ये नहीं कि आपकी राइटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो तभी आपको जाके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। पर हाँ, आपकी राइटिंग एटलीस्ट क्या हो, रीडेबल तो हो। ऐसा ना हो कि एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है पास वाले मेडिकल शॉप पर या पूछता है भाई देखो ये कौन सी दवाई का नाम लिख के गया है। तो हमको याद रखना है इस चीज़ का कि हमारी राइटिंग एटलीस्ट रीडेबल तो हो ताकि एग्जामिनर उसको अच्छे से रीड कर सके। हाँ, अगर आप इंप्रेसिव राइटिंग की बात करूँ तो हाँ, उसमें अपन को याद रखना है कि शुरुआत में हम क्या करते हैं बच्चों, काफ़ी अच्छे से लिखने का ट्राई करते हैं और लास्ट में हमारी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो उसको जब एग्जामिनर दिखता है शुरुआत में तो बोलता है वाह क्या लिखा है, लेकिन लास्ट के पेज पर जाके बोलता है अरे यार ये क्या लिखा है। तो इस तरह की चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। तो राइटिंग रीडेबल हो, इम्प्रेसिव हो। हाँ, मिस्टेक्स की अगर बात करूँ तो मिस्टेक्स भी अगर हमसे हो जाती है स्पेलिंग वगैरह में या किसी में भी, तो उसको हमको बिल्कुल जोर से उसको पेंट नहीं कर देना है बल्कि एक सिंगल लाइन करके उसको कट कर देना है ताकि वो दिखे कि हाँ भाई कट गया है क्वेश्चन का अपना आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे अगले क्राइटेरिया की, जो कि बच्चों अपना प्रेजेंटेशन की। आंसर शीट में आपने जो भी लिखा है उसको कितने अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया है। इसमें सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि केवल आप एक या दो ही पेन का यूज़ करें, मल्टीपल पेन्स का यूज़ ना करें, ओनली ब्लू एंड ब्लैक, जिसमें ब्लू आप आंसर्स के लिए और अपनी हेडिंग्स के लिए या पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमेशा ट्राई करें बच्चों कि आप सीक्वेंस से ही चलें, सेक्शन वाइज चलें। ऐसा ना हो कि आपने पहले क्वेश्चन नंबर 18th कर दिया, फिर फर्स्ट कर रहे हैं, फिर 15th कर रहे हैं, इस तरह से नहीं। हाँ, अगर कोई से क्वेश्चन को आपको स्किप करना है तो केवल उसको स्किप करें, बाकी सीक्वेंस से चलने का ट्राई करें। नेक्स्ट चीज़ अपन को इसमें भी याद रखनी है प्रेजेंटेशन में, वो है कि क्वेश्चन नंबर और सेक्शन को ज़रूर मेंशन करें कि आप किस सेक्शन के कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ताकि एग्जामिनर को वो चीज़ क्लियर रहे। तो ये चीज़ हमको इसमें याद रखनी है। साथ ही साथ इस चीज़ का भी हम ध्यान रखें कि हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सेपरेट करके लिखा हुआ है। उसको आप क्या है कि डिवीज़न के लिए लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए, लेकिन जो लाइन ड्रॉ करनी है वो हमको तब करनी है जब हमारे पास एग्जाम करने के बाद टाइम बचा हो, बीच में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक और चीज़ जो हमको याद रखनी है जो मोस्ट ऑफ द बच्चा नहीं करता है कि मान लीजिए आपने आंसर शीट में कोई सी स्पेस छोड़ दी है और आपने नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो वहाँ पर PTO ज़रूर मेंशन करें ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने आगे भी आंसर्स लिखे हैं, यहाँ पर आपके आंसर्स एंड नहीं होते हैं। अब अपने बात करते हैं फाइनल क्राइटेरिया की, जो है बेसिक्स। हाँ भैया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक चीज़ें जो हमको याद रखनी है वो और ज़्यादा एसेंशियल हो जाती हैं। जिसमें मैं बात करूँ कि कीवर्ड्स का हमको अच्छे से याद रखना है, उन कीवर्ड्स को हमको आंसर में शो भी करना है, उसके लिए आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि हाँ भाई जो क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन के आंसर में जो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट थे उनको हमने अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। उसी प्रकार जैसे अगर आप क्वेश्चंस में साइंस के एग्जाम में स्पेशली आपको डायग्राम्स बनाने रहते हैं तो डायग्राम्स को आप ट्राई करें कि आप पेंसिल से ही ड्रॉ करें और स्पेशली उसकी लेबलिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हो ताकि एग्जामिनर को दिखे कि आपने कैसे डायग्राम बनाया और उसके नेम क्या क्या वहाँ पर मेंशन करने हैं। उसी प्रकार आपको याद रखना है कि आपके बहुत सारे लॉन्ग आंसर्स जैसे रहते हैं उसमें आपको हेडिंग्स वगैरह डालनी पड़ती हैं, तो उन हेडिंग्स को आप अच्छे से शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वही हेडिंग को देखकर एग्जामिनर जज करता है कि आपने उसके अंदर क्या चीज़ मेंशन की होगी। तो उन हेडिंग्स को भी हमको अच्छे से हाईलाइट करना है, मेंशन करना है। उसी प्रकार एग्जाम्पल दूँ तो मैथ्स में या साइंस में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने रहते हैं तो उसमें भी आपको याद रखना है कि उनको स्टेप बाय स्टेप करें, आंसर शीट के पेज को अच्छे से यूटिलाइज करें और स्टेप बाय स्टेप नीट एंड क्लीन तरीके से उन सम्स को या उन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से सॉल्व करें। और एक और चीज़ जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि आपके जो भी लास्ट में आंसर आते हैं उस आंसर को आप अच्छे से बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं ताकि फाइनली एग्जामिनर देख सके कि हाँ ये आपका फाइनल एग्जाम का आंसर, फाइनल जो है क्वेश्चन का आंसर ये वाला था। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।